हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगू फैन फिक्शन रूट सेलिब्रिटी हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। लेकिन उससे पहले मेरी सेकंड चैनल जो है जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, मैं उस पर कभी कभी वन शॉट अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि इस चैनल पर बहुत वीडियोज़ हो गए हैं और मुझे लगता है कि वन शॉट के लिए कोई अलग चैनल होना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है, अगर आप लोग भी ये चाहते हो तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो फिर कहानी को शुरू करते हो। तियांग बहुत ही फेमस और बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तियांग की इतना गुड लुकिंग होने की वजह से बहुत सारे लोग तियांग को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सब लोग यही बोलते हैं कि तियांग ने सर्जरी कर लिया है, लेकिन तियांग ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो नेचुरली इतना गुड लुकिंग है। लेकिन सब लोग तो उसको बातें बनानी शुरू करते हैं। तियांग इस वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसमें उसकी क्या गलती है। अगर उसको गॉड ने इतना अच्छा हैंडसम और इतना गुड लुक बनाया है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। ये लोग उसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं कि उसने सर्जरी किया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि तियांग इतना गुड लुकिंग है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, वो इसके ज़िम्मेदार है। वो इतना हैंडसम कैसे हो सकते हैं, बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी हो चुके हैं उसकी वजह से। इस वजह से तियांग अब बहुत सारा ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। वो जैसे ही उसको मौका मिलते हैं वो क्लब चले जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। उसको कोई रोक नहीं पाता है। युंगी बहुत बार तियांग के पास आया और उसको रोकने की कोशिश किया, तियांग ऐसा मत करो, इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, इतना ड्रिंक करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, देखो तुम पहले से कितना ज़्यादा वीक लग रहे हो। लेकिन तियांग किसी की कोई बात नहीं सुनता है। तियांग सिर्फ इतना ही बोले जा रहा था, युंगी मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ, मुझे इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए था। युंगी बोलते हैं, तियांग तुम बहुत ही ज़्यादा नशा कर लिया है, अब चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ, देखो तुम्हारा मेंशन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कौन क्या बोल रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लोग तो तुम्हारे पीछे बातें करेंगे ही ना, तुम इतना बड़ा सुपरस्टार हो, अगर तुम्हारे पीछे लोग बातें नहीं करेंगे तो किसके पीछे करने वाले हैं, बोलो चलो मेरे साथ चलो। तियांग की मैनेजर है युंगी। युंगी जैसे तैसे करके तियांग को मेंशन लेकर आते हैं और बोलते हैं, चलो अब तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत डांटने वाले हैं, तुम सीधे हो जाओ वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। तुम्हारे आरएम डैड यहाँ पर है, तुम्हारे जीन डैडा यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भी शायद आसपास ही होंगे। तियांग तुम सुन रहे हो ना, वो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, अब तुम सीधे हो जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें डांट पड़े, तुम इतना बड़ा सुपरस्टार हो तुम डांट कैसे खा सकते हो। लेकिन आरएम बोलते हैं, तियांग तुमने दोबारा से ड्रिंक कर लिया है। जीन आरएम को बोलते हैं, क्या हुआ तुम इतना ज़्यादा चीख क्यों रहे हो, क्या कर दिया है तियांग ने। आरएम बोलते हैं, तुम जानते तो हो दोबारा से तियांग ने ड्रिंक करके आया है घर पर और युंगी उसको देने के लिए आया है। युंगी तुम जाओ उसको कमरे में छोड़ कर आओ। उसके बाद युंगी तियांग को कमरे में छोड़ कर आते हैं और आरएम और जिन को बाय बोलकर चले जाते हैं। जिन बोलते हैं, देखा मेरे बेटे की क्या हालत हो रहे है आरएम, क्या तुम्हें और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे तियांग को शादी कराना चाहिए। आरएम बोलते हैं, क्या बोल रहे हो जिन, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तियांग उस हालत में नहीं है कि वो शादी कर सके। तियांग तो अभी खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे का क्या ध्यान रखेगा। जिन बोलते हैं, वो ही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर वो शादी कर लेगा तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। आरएम बोलते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन क्या तियांग शादी के लिए मान जाएगा। जिन बोलते हैं, उसको मानना ही होगा, वो हम दोनों की बातों को टाल नहीं सकते हैं और इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, और मैंने एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा लड़की को चुन लिया है तियांग के लिए। आरएम बोलते हैं, तो तुम इतने दूर तक चले गए हो और मुझे अभी बोल रहे हो, तो तुमने किसके बारे में सोचा है। जिन बोलते हैं, तुम्हें सुबह को पता चल जाएगा। आरएम बोलते हैं, क्या इसका मतलब तुमने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है। जिन बोलते हैं, हाँ लेकिन मैंने सोचा इससे पहले तुम्हें पूछ लो। आरएम बोलते हैं, तुमने अगर सोच ही लिया है तो क्या पूछना। जिन बोलते हैं, अब तुम नाराज मत हो जाना, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा तियांग की अच्छाई के लिए और उसकी अच्छाई के लिए भी, क्योंकि उसके पास पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गए हैं। आरएम बोलते हैं, क्या तुम अपने नेफ्यू के बारे में बोल रहे हो,
तो जिन बोलते हाँ, मैं अपनी नेफ्यू जियोन जोंगकुक के बारे में बोल रहा हूँ। अब वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, बहुत ही प्यारा। उसके साथ अगर त्यांग की शादी हो जाएगा तो त्यांग डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जोंगकुक बहुत ही इनोसेंट है और उससे पॉजिटिविटी मिलता है। त्यांग की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गए हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। आसपास इतना ज़्यादा बैड कमेंट करने वाले हैं, त्यांग से जलने वाले हैं, उसके हेटर हैं जो लोग उसको जीने नहीं देगा, लेकिन जोंगकुक उसको खुश रखेगा, हमेशा उसका केयर करेगा, जिससे त्यांग उसके साथ प्यार में रहेगा तो बाकी दुनिया की कमेंट को भूल जाएगा और वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी पाएगा। ऐसे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी करियर भी डुबा देगा और अपनी हेल्थ भी खराब कर लेगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? आरएम बोलते हैं, जिन तुम सच बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, काश ऐसा ही हो। और त्यांग पहले जैसा खुश रहना शुरू कर दे, मुझे भी इंतज़ार है तुम्हारी नेफियों से मिलने का, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है तुम्हारे मुँह से, लेकिन मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जिन बोलते हैं, हाँ लेकिन अब चलो कमरे में जाकर सो जाते हैं। आरएम बोलते हैं, क्या तुम सो सकोगे? मुझे नहीं लगता है, मैं जानता हूँ तुम कुछ देर बाद त्यांग से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने वाले हो, इससे अच्छा है तुम और मैं दोनों ही साथ मिलकर उसको देख कर आते हैं कि वो ठीक है या नहीं। जिन बोलते हाँ चलो, तो फिर त्यांग को एक बार चेक करके आते हैं। उसके बाद दोनों ही त्यांग के कमरे के बाहर से उसको देखते हैं। त्यांग बेड पर पड़ा हुआ था, वो सो गए थे, उसको होश नहीं है। तो फिर जिन और आरएम त्यांग को बेड पर अच्छी तरह से सुला देते हैं और उसको चादर से ढक देते हैं और उसकी फोरहेड पर किस करके बोलते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ की हर मुसीबत दूर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ भर जाएगा, तुम्हें हर एक मुसीबत से हम बाहर निकालेंगे, तुम ऐसे ही खुश रहना त्यांग, कभी भी डिप्रेशन में मत रहना क्योंकि हम तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जिन और आरएम इस कमरे से अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पे जोंगकुक की ग्रैंडमा जोंगकुक को बोलते हैं, जोंगकुक तुम्हें अपने अंकल के पास जाना होगा, तुम जानते हो ना तुम्हारे जिन अंकल तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? वहाँ पर जाओगे तुम खुश रहोगे, और हाँ मैंने सुना है कि वो अपने लड़के के साथ तुम्हारा शादी कराना चाहते हैं, क्या तुम इसकी फ़ोटो देखना चाहते हो? तो जोंगकुक बोलते हैं, ग्रैंडमा क्या बोल रहे हो, मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ और मुझे उसकी फ़ोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। तो ग्रैंडमा जोंगकुक को बोलते हैं, शरारती बच्चे तूने कैसे देख लिया है फ़ोटो, क्या चुप कर देखा है तूने? जोंगकुक बोलते हैं, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसको कैसे ना देखता, मैंने उसको टीवी पर देखा है और उसकी फ़ोटो तो न्यूज़ में भी छपते हैं और हर एक मैगजीन पे भी उसकी फ़ोटो रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा चीज़ भी हो रहा है, मैंने सुना है वो डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या ये सच है ग्रैंडमा, क्या अंकल ने आपसे कुछ कहा? तो जोंगकुक की ग्रैंडमा बोलते हैं, मुझे नहीं पता त्यांग के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ जिन ने कहा तुझे भेजने के लिए त्यांग के साथ तेरा शादी करा देगा और मैं नहीं आ पाऊँगा, तू नाराज़ तो नहीं होगा ना जोंगकुक, त्यांग को भी बोल देना मुझसे गलती हो गया है कि मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और तुम दोनों की शादी में भी नहीं आ पाऊँगा। तो जोंगकुक बोलते, लेकिन क्यों नहीं आ पाओगे और वो मुझसे शादी क्यों करेगा, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है। तो ग्रैंडमा बोलते हैं, तू ज़्यादा टेंशन मत कर, जिन मेरी बेटे है और मैं जानता हूँ वो जो कहते हैं वो करके रहते हैं। जोंगकुक की ग्रैंडमा जोंगकुक को बोलते हैं, तो उसे वही सब कुछ करना जो जिन तुझे करने के लिए बोलता है और हाँ त्यांग के साथ अच्छे से रहना, उसको खुश रखने की कोशिश करना। जोंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैं उसके साथ बात कैसे कर सकता हूँ, क्या वो मेरे साथ बात करेगा, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे भाव देगा। जोंगकुक की ग्रैंडमा उसकी कान पकड़ के बोलते हैं, शरारती बच्चे इतना ज़्यादा भोला मत बन, तू भी कुछ कम नहीं, तू उसको पटा ही लेगा, मैं जानता हूँ तेरे अंदर इतना चार्म है कि तू किसी को भी आकर्षित कर सकता है, और हाँ अपना ध्यान रखना, लेकिन किसी दूसरे की बातों पर मत आ जाना, सिर्फ अपने अंकल जिन की बातें सुनना ठीक है, और अपने हस्बैंड त्यांग की बातें सुनना। जोंगकुक बोलते हैं, ग्रैंडमा लेकिन हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है, आप उसको मेरे हस्बैंड क्यों बोल रहे हो, और मैं नहीं जानता हूँ कि वो मुझसे शादी करना चाहेगा या नहीं,
लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होंगे, क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। ये तो मेरे लिए एक ड्रीम है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि मेरी शादी त्यांग के साथ होगा। पहले तो मैं यही सोचकर खुश हुआ करता था कि वो मेरा कज़िन ब्रदर है, लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। ग्यारमा, क्या वो सच में मुझसे शादी करने वाले हैं? तो त्यांग की ग्यारमा और जंको की ग्यारमा बोलते हैं, हाँ वो शादी तो उससे ही करेगा, देखना। ए, मेरा दिल कहता है, लेकिन हाँ तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है? जंको बोलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो एक ड्रीम है, मेरा सपना पूरा हो जाएगा अगर वो मुझसे शादी कर लेगा। तो बोलते हैं, आप जाकर सो जा, इतनी रात को इतना बातें करने की ज़रूरत नहीं, बहुत रात हो चुकी है, सुबह को नहीं जाना है क्या? जंको बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं सो जाता हूँ। लेकिन जंको को नींद नहीं आ रहा था। जंको त्यांग की मैगजीन को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था और उसको ही देखे जा रहा था। जंको की ग्यारमा बोलते हैं, आप लाइट ऑफ भी कर लिया कर, वरना कैसे सो पाएगा जंको? तू भी ना क्या कर रहा है? जंको बोलते हैं, हाँ मैं सो गया। उसकी ग्यारमा बोलते हैं, अगर सो ही चुके हो तो बात कैसे कर रहे हो? जंको बोलते हैं, हाँ मैं सोते हुए बात कर रहा हूँ नींद में। उसकी ग्यारमा मुस्कुराता है और उसकी सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, मेरा प्यारा सा और भोला सा बच्चा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूँगा जंको? तो जंको बोलते हैं, तो मुझे आप क्यों भेज रहे हो? ग्यारमा बोलते हैं, क्या करूँ, तुम्हारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं बुरा हो गया हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। तुम्हारे ध्यान रखने के लिए तुम्हारे अंकिल बहुत ही अच्छा रहेगा, वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा, तुम बहुत खुश रहोगे। और त्यांग, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से रहेगा, मैं ऐसा ही दुआ करता हूँ। जंको बोलते हैं, क्या आप मेरे साथ अंकिल के वहाँ आकर नहीं रह सकते हो? ग्यारमा बोलते, नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड और तुम्हारे मॉम मेरी वजह से यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया था, अब उन दोनों का डेथ हो गया है, तो मैं उन दोनों को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे डैडी तो है जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है और मेरी वजह से गाँव आके रहना शुरू कर दिया, तो फिर मैं कैसे उन दोनों को छोड़कर चला जाऊँ? जंको बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूँगा। उसके बाद उसकी ग्यारमा को हक करके सो जाते हैं। उसकी ग्यारमा पूरी रात उसकी सर पर सहलाते हैं और बोलते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, अपना ध्यान रखना, और हाँ मुझसे मिलने के लिए आओगे ना? जंको बोलते हैं, हाँ मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, जब भी आप मुझे बुलाओगे, अगर नहीं भी बुलाओगे ना तब भी आ जाऊँगा। ग्यारमा रोने लगते हैं। जंको उनके आंसू को पोंछते हुए बोलते हैं, आप ऐसे ही रोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। ग्यारमा खुश होकर बोलते हैं, देखो मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, और तुम्हें जाना होगा, समझे? उसकी फोरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद सुबह को जंको अपनी ग्यारमा को बाय बोलते हुए, उसके अंकल ने टिकट भेजा है तो वो यहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी कुछ ही घंटे बाद जंको त्यांग के घर आने वाले हैं, इसलिए जिन पूरी तैयारियां कर रहा था ताकि जंको जैसे ही घर आ जाए उसको वेलकम कर सके। तो फिर कुछ देर बाद जंको आ जाते हैं और जिन जंको की वेलकम करते हैं। सब लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि सब लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, जिसकी वजह से त्यांग सो नहीं पा रहा था, उसके सर में दर्द कर रहा था। और वो उठ जाते हैं और बोलते हैं, कौन पागल है जो इतने सुबह को इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है? अब मेरा नींद टूट गया है, मेरा सर भी दर्द करने लगा है, त्यांग तो भूल ही गया है कि वो रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसकी वजह से उसका सर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। तो फिर त्यांग गुस्से से नीचे आ जाता है और वो देखते हैं कि जिन किसी को गले लगाकर रो रहा था और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खुशी से बोल रहा था कि मेरा नेफियो मेरे पास आ गया है और मैं अब से तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जंको बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर आर्यन बोलते हैं, तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जंको बोलते हैं, आप कौन हो? तो जिन बोलते हैं, तुम्हारे अंकिल। तो जंको बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, ग्यारमा ने कहा था, वो मैं आप लोगों से पहले मिला नहीं ना, इसलिए मैंने पहचान नहीं पाया, सॉरी।
आर्यन बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो और बहुत ही प्यारा बच्चा हो। चलो घर के अंदर चलते हैं और तुम्हें किसी और एक से मिलवाना है जो बहुत ही स्पेशल है। क्या तुम उसको जानते हो? जंगकुक थोड़ा सा शाइफिल करते हुए बोलते हैं, क्या आप किम त्योंग की बात कर रहे हो? तो जिन बोलते हैं, देखो ज़रा कितना ब्लश कर रहा है। जंगकुक, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो? जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, ऊपर से त्यांग बोलते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो बोलते हैं, क्या हुआ? क्या घर में शेर घुस आया है जो इतना सारा शोर शराबा हो रहा है? क्या डैड आप लोग इतना चीख क्यों रहे हो? क्या आप लोग को इतना भी अक्ल नहीं है कि मैं सो रहा था? मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था कल रात को, मैं बहुत थक गया था, मुझे सोना था, लेकिन मैं आप लोग की वजह से नहीं सो पाया। आप लोग क्या लगा के रखा है सुबह को? जिन बोलते हैं, त्यांग तुम इतनी रूडली कैसे बात कर सकते हो? हाँ तुम नोटिस नहीं किया है क्या, तुम्हारे कजिन ब्रदर आए हैं, और हाँ तुम शायद नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर लिया है और तुम्हें उससे शादी करना होगा। वो सिर्फ तुम्हारा कजिन ब्रदर ही नहीं, अब से वो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। त्यांग बोलते, क्या व्हाट रविश टॉकिंग टू यू डैड, आप क्या बोल रहे हो? मैं इसे शादी करूँगा? आप पागल तो नहीं हो गए हो? आप जानते हो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे शादी करने के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, मुझे और सोचना है, इतनी जल्दी नहीं। अरे बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बात तो कर ही सकते हो ना, तुम्हारी कजिन ब्रदर है, उस नाते से तुम उसके साथ प्यार से बात कर लो। त्यांग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? त्यांग बोलते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करना है, और हाँ ये जहाँ से आया है उसको वो ही भेज दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वो यहाँ पर रहे। तो जंगकुक की फेस बहुत ही सैड हो जाते हैं और त्यांग जंगकुक की शक्ल पे बहुत ही क्वेश्चनली देख रहा था। सो गाइज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।